Yoddha Garud. भक्तों को पीड़ा पहुंचाने का विचार भी तुम्हारे मन में कैसे आया कद्रु? जिस छल के कारण तुम गरुड़ को चोट पहुंचाने जा रही थी, तुम्हारे साथ वो छल इसने नहीं, मैंने किया। जैसे तुमने मेरी भक्त देवी बिंता के साथ छल करके उन्हें अपनी दासी बनाया था, वैसे ही मैंने भी लीला करके इन्हें मुक्त करवाया। सोचा कि जब तुम अपनी नीति का प्रयोग अपने ऊपर होता हुआ देखोगे तो ये समझ पाओ कि तुमने इन दोनों के साथ कितना अनुचित व्यवहार किया था। पर तुम्हारे मन में अब भी पश्चाताप नहीं, प्रतिशोध है। तुम्हें क्या लगता है कद्रु, यदि कोई वस्तु तुम्हें मैं ना था तो क्या तुम उसे अनाधिकार ले पाओगे? सत्य तो ये है कद्रु कि तुम और तुम्हारे पुत्र अमृत की एक बूंद तो क्या उसकी आभा के भी योग्य नहीं। तभी तो जिस पवित्र कुशाघात पर अमृत को रखा गया उस पर पड़ी अमृत की आभा को चाटने के प्रयास में तुम्हारे पुत्रों की जीभ जल गई। इन विषैले नागों के लिए अमृत भी विष बन गया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।